हेलो, चैप्टर 1069 कैसा लगा? मज़ा आया रीड करके? मुझे तो बहुत आया। एकदम तरीके से बात करते हैं अबाउट इट आफ्टर दिस इंट्रो। लेट्स बिगिन। पहले तो लेट्स टॉक अबाउट लूफी वर्सेस लुची। मज़ा आया, द होल फाइट वॉज फन। लूफी एज एक्सपेक्टेड डोमिनेट किया लुची पर, एंड वन साइडेड फाइट था भाई ये। वी गॉट टू सी लूफीज अवेकनिंग अगेन, एंड आई गेस मैं जो सोचा था कि लूफी स्ट्रगल करेगा वापस से अवेकनिंग करने में, ऐसा कुछ नहीं हुआ, विच इज़ इन माई ओपिनियन अ शिट थिंग। लूफी को अभी से वर्स का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बना देना, आई थिंक इट्स टू मच। यहाँ पर अगर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वाला सीन होता तो ज़्यादा मज़ा आता। लुची का अवेकनिंग भी हमें इस चैप्टर में दिखा, एंड इट लुक्स वेरी कूल भाई, मस्त दिख रहा। आई रियली लाइक द डिज़ाइन ऑफ दिस फॉर्म। लुच्ची के भी पीठ में लूफी जैसा ही क्लाउडी डिज़ाइन है, बस वो बाल से बना है। पता है, इन दोनों के अवेकनिंग को देख के ना, आई थिंक मैंने कुछ फिगर आउट कर लिया है, एंड दैट इज़ कि जोआन फ्रूट को अवेकन करने के बाद यूज़र कैन ईदर ट्रांसफॉर्म इट टू हिज हाइब्रिड फॉर्म और फुल बीस्ट फॉर्म। यू रिमेंबर इम्पेल टाउन में भी हमने अवेकन जोआन फ्रूट यूजर्स देखा था, वो तो साइज में हद बड़े थे, राइट? चॉपर के भी मॉन्स्टर पॉइंट को देख लो। उन दोनों में कॉमन ये था कि फुल बीस्ट फॉर्म जैसा लग रहा था वो, एंड लूफी और लुची के केस में एज यू कैन सी कि ये हाइब्रिड जैसा लग रहा है, विच इज़ वाई आई थिंक हमें लूफी का भी फुल बीस्ट फॉर्म दिख सकता है। लुच्ची का भी एक्चुअली अगर वो इस आर्क में और दिखा तो हमें वो एक बड़े से लेपर्ड के रूप में दिख सकता है। लुच्ची ने वैसे इस चैप्टर में आर्मामेंट हाकी भी यूज़ किया है, डिड यू नोटिस? सेंतोमारू को लुच्ची ने आर्मामेंट हाकी यूज़ करके ही शिगान मारा, एंड फिर से हमने इस चैप्टर में लूफी के ज़मीन को रबर बनाने वाला हरकत देखा। अटैक कर रहा भाई, दिमाग लगा के फुल लूफी, मज़ा आया इसको देख के। बट लुच्ची समहाउ उसको कुछ हुआ नहीं, जोआन अवेकनिंग में जो हीलिंग फास्ट हो जाती है उसकी वजह से शायद। आई रियली वॉन्टेड टू सी लूफी नॉकिंग द शिट आउट ऑफ लुच्ची, बट लुच्ची हराम खुर बच गया, एंड आई गेस अब वो इधर से भग जाएगा शायद, पता नहीं। आई मीन वो इतना भी स्टूपिड नहीं है ना कि वो एक योंको से जिसको वो टच भी नहीं कर पा रहा उससे भिड़े। आई होप वो इतना स्टूपिड हो लमाओ। सेराफिम से रिलेटेड हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चली है। अपेरेंटली देर आर लेवल्स ऑफ अथॉरिटी फॉर सेराफिम, विच इज़ नॉर्मल आई गेस, क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं हुआ फिर तो सेराफिम को कोई भी छोटा मोटा मरीन बिट्रे करके यूज़ करने लगेगा ना। वेगापंग ने हाईएस्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी गोरोसो को दिया है, फॉलोड बाय हिमसेल्फ, फॉलोड बाय सेंतोमारू, एंड लास्ट में कोई भी बंदा जो वर्ल्ड गवर्नमेंट या मरीन्स का कमांडशिप होल्ड करता है, लाइक CP0 मरीन का कोई कैप्टन, जैसे कि को भी कमांडर था, कैप्टन था, जो भी था, वाइस एडमिरल्स, एडमिरल्स टू आई गेस। एंड सेराफिम को डेंडन मुशी के थ्रू कमांड नहीं किया जा सकता, विच मीन्स गोरो से कुछ भी नहीं कर सकती सेराफिम के साथ भाई, वो तो बस मरीजों में पड़े रहते हैं ना। ऑल दे कैन डू इज यूज दिस रोबोट्स फॉर देयर डिफेंस। सेंतोमारू, ये चीचा को वेगापंग ने बचपन में उठाया था, विच इज़ वाई ही शेयर्स अ सन फादर टाइप ऑफ रिलेशनशिप विथ हिम आई गेस, विच इज़ वाई वेगापंग के लिए ही कैन गो अगेंस्ट एनीवन। भाई CP0 के अगेंस्ट चले गया ये, मतलब डायरेक्टली वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट चले गया ये, लमाओ। सेंतोमारू को वेगापंग ने बचपन में उठाया था, बीच में इसकी किजारू उसका रियल अंकल नहीं है। अरे किजारू भाई, ही इज़ कमिंग टू एगहेड, आई होप हमें उसका फुल पोटेंशियल दिखे। एक एडमिरल तरीके से फाइट करते हुए देखना तो मैं भी डिजर्व करता हूँ, बट मैं होप्स बहुत भी नहीं बढ़ाने वाला, आफ्टर ऑल ही इज़ किजारू। पता चला इधर आके भाई लूफी के साइड आ जा रहा है हरामखोर। फुल पोटेंशियल नहीं तो एटलीस्ट किजारू के कैरेक्टर के बारे में हमें चीज़ें पता चलनी चाहिए। मैं तो जानना चाहता हूँ भाई किजारू का मोटिव, हिज वे ऑफ थिंकिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या किजारू अब एगहेड पहुँच के सेंतोमारू के साइड होके CP0 को चटकाएगा? मे बी, या क्या पता वो सेंतोमारू को ही मार दे लमाओ। वी कैन लिटरली सी एनीथिंग भाई, क्या क्या चीज़ें दिख सकती है तुम, मतलब वी कैन नॉट टेल। किजारू वर्सेस स्ट्रॉ हैट्स हो सकता है फिर से, किजारू वर्सेस लूफी, मतलब एक एडमिरल वर्सेस एक योंको दिख सकता है हमें, किजारू वर्सेस CP0, किजारू एंड CP0 वर्सेस स्ट्रॉ हैट्स, कुछ भी हो सकता है सिंस दिस इज किजारू वी आर टॉकिंग अबाउट। एंड आई वंडर वो अकेले आ रहा है कि किसी और को लेके आ रहा है, कोई एडमिरल तो साथ में नहीं ही आ रहा होगा उसके, राइट? वरना अकाइनू मेंशन कर देता ऑब्वियसली। देखते हैं आगे क्या होगा। वेगापंक, ही अगेन गेव अस सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अपेरेंटली गोमोगोमोनोमी एंशियंट डेविल फ्रूट इंसाइक्लोपीडिया में नहीं है। मेरा क्वेश्चन इधर पे उठता है कि ये एंशियंट डेविल फ्रूट इंसाइक्लोपीडिया को बनाया किसने है? वर्ल्ड गवर्नमेंट ने? आई डोंट थिंक सो, वो बनाते तो गोमोगोमोनोमी नहीं डालने की गलती नहीं करते। ओहारा वाले मे बी, या फिर मे बी द प्रीवियस साइंटिस्ट जिनकी बात वेगापंक जायंट रोबोट के बारे में बताते टाइम किया था।
वेगापंक की वजह से नाउ स्ट्रॉ हैट्स नो एज वेल कि लूफी का फ्रूट गोमू गोमू नोमी नहीं है एंड इट्स समथिंग रिलेटेड टू गॉड निका। वेगापंक को सब पता है भाई निका गॉड के बारे में, इसके थ्रू हमें और चीज़ें पता चल सकती है। डेल फ्रूट से रिलेटेड वेगापंक ने इंपॉर्टेंट चीज़ें कहा है कि डेल फ्रूट लोगों के विशेष से बने हैं। नॉट इनफ इन्फो आई नो, हर डेल फ्रूट यूज़र उस फ्यूचर में रह रहा है जिसका विश किसी ने किया था। भाई हु इज़ दिस किसी रे, लाइक हु इज़ दिस समवन, फर्स्ट जॉय बॉय आई गेस। उसके अलावा और हो भी कौन सकता है राइट। वेगापंक को भाई ऐसी बहुत चीज़ें पता है जो स्ट्रॉ हैट और हमें नहीं पता, जिन्हें जानने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। वैसे डिड यू रियलाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेराफिम? भाई लुच्ची के सामने एक योंको है फिर भी ही इज़ ट्राइंग टू टेक कंट्रोल ऑफ सेराफिम। सेंतमारू को मारा ही क्यों उसने बताओ ना भाई, ताकि उसके हाथों में कंट्रोल जाए सेराफिम का। इट शोज़ हाउ मच इंपॉर्टेंट सेराफिम इज़। लेकिन सेंतमारू को मार के भी तो उसको कंट्रोल नहीं मिलेगा ना, आई मीन वेगापंक भी तो है इधर पे। अरे हाँ, अगर वेगापंक के पास हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी है तो फिर उसने ही क्यों कोमा सेराफिम को कंट्रोल नहीं किया? इट्स स्ट्रेंज इजंट इट। नेक्स्ट वीक ब्रेक है, ब्रेक के बाद आई होप लूफी और लुच्ची का फाइट हमें और तरीके से देखने मिले। एंड क्योंकि लूफी अब सेंतमारू के चक्कर में और भड़क गया लुच्ची पर, आई गेस कोई तो और ज़्यादा पिटने वाला है। डेल फूड से रिलेटेड और चीज़ें पता चलेगी तो मज़ा आएगा। दिस चैप्टर वॉज फन टू रीड, किजारू को भी देखने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। कुछ बढ़िया हरकतें करते हुए दिखे वो मज़ा आएगा तब। एंड दैट्स इट, अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेगी, तो बाय बाय।